बैक 10 सितंबर 2012 है आज। डिस्कशन प्रोग्राम में बुलाया है जशन एक्सीलेंसी की लाइव ट्रांसमिशन आ रही जी जी हाँ। देखिए मैं ये कह रहा था कि देखिए मैंने कौन कहेगा, मैं से मैं बैठा हुआ था सोच रहा था ये, और अभी भाई घड़ियों में सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने 10 में मैंने कहा कब आएगा 10 सितंबर, कब बनेगा जश्न एक्सलेंसी। आज 10 सितंबर आ गए, लाइव ट्रांसमिशन का मतलब है कि उसी दिन हो रही है। बेशक हमारे प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं पहले से, कभी कभी हम कभी कभी इवेंट्स जो खास इवेंट्स हैं वो तो हम उसी वक्त सेलिब्रेट करते हैं, मगर कुछ खास इवेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं जो हम पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं, मगर लाइव ट्रांसमिशन का मतलब है कि उसी वक्त हो रही है, उसी दिन हो रही है। लाइव ट्रांसमिशन का ये मतलब है। तो हम मैंने ये कहा कब आएगा 10 सितंबर, और 10 सितंबर आया। आज हम लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सबको गाइड कर रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज ये बैठ के कह रहा हूँ कि आज 10 सितंबर आ गया है, और आज ही जो है वो जश्न एक्सपीरियंसी मनाया जा रहा है, मगर 10 मई से मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर कैसे ख़राब होगा, और किसी को क्या पता कि 10 सितंबर जिस दिन जश्न एक्सीलेंसी बनाया जाएगा उस दिन कंप्यूटर ख़राब होगा, और कंप्यूटर ख़राब हुआ और हो रहा है, हो गया, ये बहुत बड़ा सानिया है। देखिए प्राइवेट न्यूज़ चैनल की न्यूज़ हो रही होंगी, मैं इतना नहीं गौर कर रहा, मगर उस पर कहा गया है जॉब की बात का। तो अगर हमारी जॉब खुदा चाहता अल्लाह चाहता तो ज़रूर लगेगी, और इस पर कोई मुस्तैका से इस बात नहीं है। और जॉब की जो न्यूज़ स्प्रेड हुई है मेरे ख्याल से कल ही हुई है, कल 9 को खबरें हुई थी, तो अगर लग जाती है तो अच्छी बात है, पैसे आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपने ये सवाल पूछा एक्सेलेंसी का जश्न पे ही बात हो रही है, तो इस पर बहुत अच्छी सवाल आपने किया कि हाँ इसकी भी एक्सेलेंसी बन जाएगी इकोनॉमिक प्रोफाइल की। मैंने इकोनॉमिक का नाम नहीं लिया था, रिलेशन रिलीजन एंटरटेनमेंट सब सेक्टर्स का नाम लिया था, इकोनॉमिक का नाम नहीं लिया था। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी जो है वो हम दिया तरतीब देंगे 2013 से, उसमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ चलेंगी, और अगर जॉब होती है तो काफ़ी अच्छा सेक्टर डेवलप हो जाएगा इकोनॉमिक सेक्टर जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि ये जल्द से जल्द हो। देखिए इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना हमें पता है कि एजुकेशन की पॉलिसीज कहाँ तक है, मगर ये है कि अभी कुछ दिनों में मैं अनाउंसमेंट करूँगा तो पता चलेगा। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि एजुकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग करनी है, कैसे एक्सीलेंसी की, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा हमने बीए किया है, हम ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह से ग्रेजुएट हैं, तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी ये एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। हमने बैचलर्स किया और इस बेस पे हमने एजुकेशन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। अभी कुछ दिनों में डिग्री निकलवाई जाएगी, डिग्री का मसला चल रहा है, डिग्री निकलवाई जाएगी ग्रेजुएट की, और जिस दिन डिग्री का फॉर्म जमा होगा उस दिन भी जश्न होगा, और जिस दिन डिग्री लेने जाएंगे उस दिन भी जश्न होगा, जिस दिन लेने जाएंगे उस दिन तो बहुत बड़ा जश्न होगा। बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो हैं वो पास कर गए हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं और डिग्री मिलती है। आपको पता है जब बहुत बड़ी बड़ी जो होते हैं स्कॉलरशिप्स होती हैं या जो डिग्री की जो मिलती है, लड़के कैसे पहने होते हैं, एक गौन सा पहने होते हैं, ब्लैक टोपी लगाए होते हैं, इतना यहाँ से सुनना लटक रहा होता है,
तो कैसे एक तरीके से वो खड़े होते हैं और डिग्री ले रहे होते हैं, तो ये उनकी डिग्री मिलती है असल में कन्वोकेशन में, कन्वोकेशन कहते हैं, तो कन्वोकेशन में मिलती है। तो कन्वोकेशन कैसे होते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हमें डिग्री मिल रही है, सबके लिए बड़ी बात होती है, तो माँ पेरेंट्स भी खुश होते हैं होते हैं, तो उस दिन तो जश्न बहुत बड़ा बनेगा, सही ना। तो डिग्री का ये कह के अभी डिग्री निकल जाए, दूसरी बात ये कि एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने बीए किया हुआ है, और आगे अगर पढ़ना है हमें तो हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई के लिए आप कर रहे हैं, उसमें अनाउंसमेंट करेंगे हम कुछ दिनों में। तो कहने की बात ये है कि जो डिग्री का मसला है वो अभी चल रहा है और जल्द रिजॉल्व होगा। 10 सितंबर है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, 3 सितंबर के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि अभी डिग्री निकलेगी, मगर आज 10 सितंबर हो गए, अभी तक डिग्री का नाम निशान नहीं है, पता नहीं कब तक निकलेगी। मगर अगर मैंने अक्टूबर में, मैंने कहा था सितंबर में फॉर्म जमा करूंगा तो अक्टूबर में निकलेगी, मैंने कहा है अब कि मैं अक्टूबर में जमा करूँगा, क्योंकि अभी इन दिनों में तो कोई प्रोग्राम नहीं है हमारी डिग्री के फॉर्म जमा कराने का, तो अक्टूबर में करूँगा तो नवंबर में मिलेगी, मगर जब भी मिलेगी हम जश्न मनाएंगे और हम आपको साथ लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये काम ज़रूर होगा। और जब हम इसमें कुछ और ही नहीं है ना, हमने तो पास किया है, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे डिग्री मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं मिलेगी, नजरबंद से इसका कोई क्या ताल्लुक, आप मुझे ये बताएं। नजरबंद से आपने कहा नजरबंद भी होती है, तो मैं ये कह रहा हूँ नजरबंद से क्या ताल्लुक उसका, आप मुझे बताएं। अगर आप मेरिट में हैं, आपने वो काम किया है, प्रैक्टिकली काम किया, तो वो आपको जरूर मिलेगी, और कोई चीज नहीं है, आपको मेरिट ऐसी चीज होती है काबिलियत के मेयार पे पूरा उतरती है। इसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि बीमार पड़ोगे तो दवा नहीं खाओगे तो कैसे सही होगे, खाली तुम कहते रहो अल्लाह मुझे सही कर दे तो आप सही होंगे, आपको 103 बुखार हुआ है और आप दवा नहीं खा रहे, पेनेडोल पोस्टन नहीं खा रहे, और आप कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ठीक कर दे, दुआ कर रहे हैं, तो आप ठीक हो सकते हैं, अल्लाह ताला कहेंगे पहले तुम दवा खाओ फिर तुम ठीक होगे, फिर दवा खाते हैं फिर ठीक होंगे, तो ये बात है। तो प्रैक्टिकली भी कोई वर्क करना चाहिए ना, आप ये तो थ्योरेटिकली क्यों देखते रहते हैं हम उससे को, प्रैक्टिकली आप कुछ करें। आपने पेपर दिए जैसे था, फर्ज करें बीए के पेपर दिए आप, और आपने कुछ भी नहीं लिखा, पार्ट 1 में कुछ भी नहीं लिखा, और आप कह रहे हैं मैं टॉप करूंगा, टॉप पोजीशन लूंगा, तो आप टॉप कर सकते हैं, आप मुझे बताएं, टॉप कर सकते हैं, आप बताएं मुझे, आप कर ही नहीं सकते टॉप, क्योंकि आपने अमली इकदाम नहीं किए, आप अल्लाह ताला से कह, मैं तो ये कहता हूँ आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं मैं टॉप कर लूँ, तो कैसे अल्लाह ताला कराएगा, अल्लाह ताला कहेंगे तुमने अमली इकदाम ही नहीं किए तो मैं कैसे तुम्हें पास कर दूँ। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने करा है, आपकी काबिलियत है, तो आपको ज़रूर डिग्री मिलेगी, कोई मजाल नहीं कि आपकी डिग्री ना मिले, क्योंकि हम एक सच्चे खरे, और कहना चाहिए कि हम जो हैं वो एक ईमानदार इंसान है, हमारे में खोट नहीं है, हमारे पे चोरी नहीं, हमने काबिलियत के मैं आपसे पास किया था, हमें ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। जी जी हाँ एक्सीलेंसी, अब मैंने आपको जो बताया एक्सीलेंसी का जश्न के बारे में पूछा, तो ये पूरी एक्सीलेंसी है हमारी, ये क्या है, ये हमारी पूरी एक्सीलेंसी की, ये मेयार की बात ही, एक्सीलेंसी हमारी ही है, एक्सीलेंसी पूरी उतर रही है। अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी डिपार्टमेंट को, अगर हम अपनी एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं डिपार्टमेंट को, तो ये एक्सीलेंसी काउंट होगी। एजुकेशन, कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, दिस इज द बेस्ड, एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज से ही जॉब सेक्शन खुलता है, तो ये भी एक्सीलेंसी है आपकी। एक्सीलेंसी क्या है, ये भी तो आपकी एक्सीलेंसी में काउंट होगी ना, मगर लोगों ने ये एक बहुत बड़ा बुरा तासुर दिया है
एक्सेलेंसी जो है वो शायद इकोनॉमिकली बेस्ड है। मैं भी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, थोड़ी देर बाद फिर आते हैं।